हेलो स्टूडेंट्स आई एम योर साइंस टीचर और आज का टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन रोमिनट्स स्टूडेंट्स रूमिनन्ट्स वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं जैसे काउस बफेलोज डियर शिप देखिए ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं ये रोमिनट्स कहलाते हैं ये जो है दे क्विकली चुई द फूड ये फटाफट फूड को चबाते हैं सलाइवा मिक्स करते हैं और निगल लेते हैं डू यू नो वाई ऐसा क्यों है देखिए कार्निवोरस के डर से ये फटाफट अपना खाना खाते हैं कार्निवोरस ईट दीज ग्रास हीटिंग एनिमल्स एज देयर फूड टू तो अवॉइड बीइंग कॉट बाय कार्निवोरस कार्निवोरस से बचने के लिए ग्रास हीटिंग एनिमल्स जो है फटाफट फूड को खाते हैं और एक सेफ जगह देखते हैं और दोबारा जो है ब्रिंग द फूड बैक इन द माउथ ये देखिए माउथ में लेके आते हैं स्मॉल लम्ब में लेके आते हैं थोड़े थोड़े टुकड़ों में लेके आते हैं और उसको छुई करते हैं द प्रोसेस ऑफ च्विंग फूड इज कॉल्ड रूमिनेशन इस तरह से फूड को चबाने की प्रक्रिया को रूमिनेशन uh, कहते हैं हम और ये एनिमल्स कहलाते हैं रूमिनेट्स स्ट्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखिए रूमिनेट्स का स्टोमक जो है फोर चैम्बर में बटा है फर्स्ट चैम्बर इज रूमिन सेकेंड रेटिकुलम थर्ड ओमेजम एंड फोर्थ इज एबोमेजम इस तरह के स्टोमक को हम बोलते हैं कंपाउंड स्टोमक इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अब देखिए क्या बताएंगे हम आपको फूड जो है स्वेलोड हो गया तो सबसे पहले वो फर्स्ट चैम्बर में जाएगा फर्स्ट चैम्बर कौन सा है रूमिन है और यूमिन सबसे बड़ा लार्जेस्ट चैम्बर है ठीक है हियर इट इज़ पार्शली डाइजेस्टेड यहाँ पे फूड जो है थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है और इस फूड को हम बोलते हैं कर्ड कर्ड बोलते हैं हम ठीक है अब देखिए यहाँ से वो जाएगा रेटिकुलम में रेटिकुलम एक सेकेंड चैम्बर है रूमेन से रेटिकुलम में जाएगा पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है ना रेटिकुलम में जाएगा फ्रॉम वेयर इट इज़ रिटर्न टू द माउथ फॉर थॉरोच्विंग सेकेंड चैम्बर से जाके दोबारा जो है वो माउथ में जाएगा अच्छे से चबाने के लिए एनिमल उसको माउथ में लेगा आफ्टर थॉरोच्विंग अच्छे से चबाने के बाद मिक्स सलाइवा मिक्स होगा उसको दोबारा चबाएगा एंड देन रीच अगेन एंड स्वेलो इट उसको स्वेलो कर लेगा अब देखिए अब फूड जो है ना फर्स्ट चैम्बर में जाएगा ना सेकेंड चैम्बर में जाएगा इट बाईपासीज़ बो टू चैम्बर्स एंड एंटर द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर सबसे छोटा चैम्बर ओमेसम में जाएगा वहाँ पे छोटे छोटे उसके पीसेज होंगे पीसेज होंगे और अब फूड जो है एबोमेसम में चला जाएगा एबोमेसम इज़ द फोर्थ चैम्बर एबोमेसम इज़ द फोर्थ चैम्बर अब यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होगा जिस तरह से ह्यूमन बींग में रिलीज़ होता है स्टोमक में एबोमेसम में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होगा उसके अंदर एंजाइम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अब यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो अगर क्वेश्चन आता है कि रूमिनेट्स में डाइजेशन कहाँ पर कम्प्लीट होता है तो आंसर विल बी एबोमेसम ओके द डाइजेस्टेड फूड नाउ पास इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा फूड का फूड जो डाइजेस्ट हो गया उसको वो एब्जॉर्ब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और फाइनली बॉडी से बाहर निकल जाएगा इज इट क्लियर अब जरा हम इसकी एक्सरसाइज पे नजर डालते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बिच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टीथ इनमें से कौन सा टीथ नहीं है देखिए आंसर विल बी एनस एनस इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है फूड डाइजेस्ट कहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीट डाइजेस्टन हो जाता है तो वहीं पर ही फूड uh, का एब्जॉर्प्शन होता है ना कम टू थर्ड क्वेश्चन बाइल जूस इज़ स्टोर्ड इन सबसे पहले बाइल जूस लीवर बनाता है बट उसका स्टोरेज होता है गाल ब्लैडर में फोर्थ क्वेश्चन कंपाउंड स्टोमक इज फाउंड इन अभी हमने पढ़ा है देखिए रूमिनेंट्स में पाया जाता है बैक्टीरिया एक्ट ऑन द लेफ्ट ओवर फूड इन द टीथ एंड फॉर्म देखिए जब हम खाना खाते हैं तो टीथ में कुछ फूड जो है रह जाता है तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एसिड बनाते हैं तो आंसर विल बी द फर्स्ट एसिड्स वेन फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडिड टू द बॉयल्ड पोटेटो देखिए बॉयल्ड पोटेटो पोटेटो में स्टार्च होता है और आयोडीन डालने पर उसमें एक रिएक्शन होती है और उसका कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक इन काउ द फूड फर्स्ट गोज इन टू इट्स वेरी ईजी सबसे पहले फूड कहाँ जाता है रोमिन में जाता है द लार्जेस्ट क्लैंड इन द बॉडी इज ऑफकोर्स इट इज लीवर अब फिलिंग द ब्लैंक्स आपको नोटबुक में करना है बेटा एम सी क्यूज को बुक में ही रहने देना तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं हम द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक सेकेंड द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फोल्ड्स कॉल्ड विली स्मॉल इंटेस्टाइन की इन द इनर वॉल जो होती है ना अंदर की वॉल उसमें विलई लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ताकि उसका एरिया बढ़ सके नाव द सलाइवा कंटेन एंजाइम दैट इज अमाइलेज अमाइलेज क्या करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है फोर्थ क्वेश्चन द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वो प्रोसेस जिसमें जो खाना बच चुका है डाइजेस्ट नहीं हुआ है बॉडी से रिमूव होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन नाउ टंग पुशेज द चवेट फूड इन टू अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब देखिए सो दैट इज द फूड पाइप के ऊपर एक ट्यूब होती है जिसे फेरिंग्स बोलते हैं तो टंग जो है फूड को पुश करती है पहले फेरिंग्स में एंड देन वो फूड पाइप में आता है फूड पाइप जो है उसको फिर स्टोमक तक लेके जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स प्रोटीन गैट ब्रोकन इंटू प्रोटीन डाइजेस्ट होके सिंपल क्या चीज बनाता है अमीनो एसिड्स बनाता है द स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल एलिमेंट्री केनाल का सबसे चौड़ा पार्ट क्या है वाइट पार्ट क्या है स्टॉमक है अब देखिए मैचअप्स में देखिए लीवर जो है लीवर सिक्रेट बाइल जूस लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है देखिए एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर प्रीमोलर्स मोलर्स इंसीज़र कैनाइंस इनके आप ये आप खुद सेल्फ करेंगे देखिए इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स ये सब आपका होमवर्क है ये आपको अपनी फाइल में करना है ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर टू